बारिश से हुई खराब फसलों को देखते हुए आज दोनों ही राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। इसी कड़ी में बागली युवक कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा राशि दिलाने के लिए बागली तहसील के कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवक कांग्रेस के बागली विधानसभा अध्यक्ष दिलीप गुर्जर ने बताया कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब भी किसानों के साथ कोई समस्या होगी, हम उनकी समस्याओं में उनका हमदम साथ निभाएंगे। आज किसान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। किसान की सोयाबीन एवं मक्का एवं आदि फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसान कोरोना महामारी से तो लड़ ही रहा था और किसान के ऊपर एक नई आपदा आ गई है। आज हमने सरकार एवं प्रशासन से मांग की है कि जल्दी से जल्दी किसान की फसल का सर्वे करवाया जाए एवं मुआवजा दिलाया जाए, उनको बीमा राशि दिलवाई जाए, जब जाके किसान कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति कायम कर पाएगा, नहीं तो उसकी हालत आज आत्महत्या करने जैसी हो गई है।